मुंबई में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मुंबई में अगर खुद का घर सिर्फ अब 2.5 लाख रुपए में मौजूद होगा, जी हां, महाराष्ट्र सरकार ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। अब देश के सबसे महंगे शहरों में एक मुंबई में यदि 2.5 लाख रुपए में खुद का घर मिले तो आपको चौंकाना लाजमी है, लेकिन सियासत की वजह से ये संभव हुआ है। जी हां, दरअसल मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है कि झोपड़ी के बदले सिर्फ 2.5 लाख रुपए में पक्का घर लेने की सुविधा दी जाएगी। और इस ऐलान के बाद अब 1 जनवरी 2000 से 2011 के बीच के झोपड़ी धारकों को इस तरह का सस्ता घर दिया जाएगा। जी हां, यह खुद गृह निर्माण मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस योजना का ऐलान किया है और इसके तहत मुंबई के झोपड़ी धारकों को सिर्फ अपनी झोपड़ी सौंपनी होगी और 2.5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। ऐसा करके वे अपने नाम पक्का कर करवाने में कामयाब हो सकेंगे और इसी के साथ मुंबई के झोपड़ी धारकों को सिर्फ अपनी झोपड़ी सौंपनी होगी और 2.5 लाख रुपए जमा करवाने होंगे। ऐसा करके वे अपना घर नाम करवा लेंगे और इसी के साथ इस बारे में गवर्नमेंट का जारी कर दिया है और चंद दिनों में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव का ऐलान होने वाला है। और ऐसे में ठीक बीएमसी चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला किया है और इस फैसले से कई लोगों का मुंबई में अपना घर होने का सपना अब साकार होगा।